अलग है अपने आप में, क्योंकि अमिताभ बच्चन को ट्रिब्यूट देना मेरे ख्याल से मेरा फ़र्ज भी है और मेरा हक भी है, और इसके लिए मुझे खुद खास अमित जी ने उनकी बेस्ट विशेज भी दी है, मुझे, मेरे बेटे को, हेमा को, श्रुति को। तो ये इनके लिए बहुत, मतलब अमित जी के लिए मैंने जो इतने साल उनके लिए गाया और उन्होंने जो मुझे परमिट किया गाने के लिए, उसके लिए मैं सिर्फ थैंक्स कहना चाहता हूँ। अच्छा, अमित जी से कभी इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने आपकी तारीफ की हो, कभी कोई ऐसी बात हुई हो अमित जी से कभी? अमित जी से बहुत बार इंटरेक्शन हुआ है। पहली बार जब हम मिले तो मैं देख रहा था कि अमित जी खड़े सामने, में डर के उनको नमस्कार कर रहा था, तो सामने से बोले, अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती है, मुझे तो पता ही नहीं चला ये गाना मैंने कब गाया। और रिएक्शन तो कई बार होता है। जुम्मा चुम्मा जब रिलीज़ हुआ तो पहले एक डेढ़ साल तक, क्या आज भी लोग ऐसे हैं कि वो यकीन नहीं करते कि ये गाना मैंने गाया है। तो अमित जी शुरू में तो कहते थे कि नहीं नहीं मैंने नहीं गाया है, सुदेश भोसले ने गाया, नया लड़का है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा फोन्स आने लगे तो वो भी थैंक यू बोलने। अच्छा सर, हम चाहेंगे वो गाना आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। सर वही देखा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा, ले आ गया रे फिर जुम्मा, जुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा। हम आपसे भी आपकी आवाज में एक गाना सुनना चाहेंगे, कि क्या आप भी, जो भी आप सोलो गाना गा रहे हैं, जो भी आप सुना सकते हैं। ओ बीच बाजारी दंगे लग गए दो तलवारी, अखियों के मखड़ा, ओ जान कटे के जिगर कटे, अब इंदो धारी अखियों से मखड़ा, ओ आजा जर बैश की दिखोल गुतिया, ओ आजा जर बैश की दिखोल गुतिया, काटे ना मोना वैन मोल गुतिया, ते लागी ते लागी जो लगावे नाल गे अशकी, ओ ते लागी ते लागी ते लागी जो लगावे नाल गे अशकी, ओ उड़ती उड़ती अखियों के लड़ गए पैच लड़ गए वे, दीख लगा के झूम झूम झूम, झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। लास्टली सर, फैंस के लिए कोई संदेश, और कहाँ कहाँ ये कॉन्सर्ट कर रहे हैं आप? अभी तो 10 अक्टूबर को षण्मुखानंद ऑडिटोरियम सायन में कॉन्सर्ट हम लोग कर रहे हैं। तो अमित जी के सभी फैंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़ी तादाद में आए, इस कॉन्सर्ट को कामयाब बनाए, और हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको खूब एंटरटेन करेंगे, खूब मज़ा दिलाएंगे, गवाएंगे, नचाएंगे, हंसाएंगे, तो ज़रूर आइएगा इस कॉन्सर्ट के। वो ग्रुप मेलोडी मेकर्स के हैं प्रवीण सरा, तो जो एसोसिएशन है कामाक्षी आर्ट, जो मेन ग्रुप है मेरा, जो बैंड है, चेयर ले रही हूं, तो थोड़ा सा उनको भी एक शॉट उनके साथ। प्रवीण जी क्या कहेंगे आप? शिफ्ट ना चेयर शिफ्ट मेलोडी मेकर्स जो ग्रुप है, और कैमरे पे देखिए सर, कैसा एसोसिएशन रहा आपका कामाक्षी आर्ट के साथ और मेलोडी मेकर्स का, क्या बताएं? मेलोडी मेकर्स के साथ सुदेश जी का हमारा तो बहुत पुराना है, साथ में अब कामाक्षी आर्ट में हेमा जी जो है वो सिस्टर ही है मेरी, तो एसोसिएशन तो हमारा बहुत है। ये सारा फैमिली प्रोडक्शन है बेसिकली, जो अशोक कुमार सराफ मेलोडी मेकर्स के हैं, जो जो लीड उनके पायनर्स हैं, अब उनका बेटा प्रवीण सराफ ही इज हैंडलिंग द ऑर्केस्ट्रा, पूरा म्यूजिक जो कंडक्टिंग कर रहे हैं, म्यूजिक कर रहे हैं, वो सारा मिलके ही हम लोग कर रहे हैं। तो इट्स मोर ऑफ अ प्रोडक्शन हाउस प्रोडक्शन। माफ करना आपकी आवाज में बात कर रहा हूँ, लेकिन भगवान आपकी सेहत अच्छी रखे, आपको लंबी उम्र दे, और हमारे जैसे फैंस के लिए आप सालों साल हमें एंटरटेन करते रहे। ऑल द बेस्ट।
हैप्पी बर्थडे टू यू अमित जी। हाय। काफी म्यूजिकल एक माहौल था बचपन से ही, मेरी दादी, ग्रेट ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर, नाना, सभी म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, क्लासिकल सिंगर्स, प्लस मेरी मम्मी भी पियानो बजाती है, और पापा ऑफ कोर्स जो बॉलीवुड का जो एक ट्रेंड था, जो सिंगिंग, किशोर दा, रफ़ी जी के गाने बचपन से ही सुनते हुए हम दोनों बड़े हुए हैं, तो फिर इसी के वजह से काफ़ी पहले से ही डिसाइड हो गया। और मेरी जो मेरा जो लगाव था म्यूज़िक के तरफ, गिटार मुझे सीखना था, ड्रम्स भी सीखा है, तो फिर इसी की वजह से काफ़ी पहले से ही डिसाइड हो गया था कि हाँ, इसे सिंगिंग में और म्यूज़िक के ही फील्ड में मुझे कुछ करना है। ये कॉन्सर्ट एक ट्रिब्यूट है अमित जी के लिए, स्पेशली उनके 73rd बर्थडे के उपलक्ष्य में हम लोग कर रहे हैं, और इसे शुरू किया है मेरी पत्नी हिमा ने, श्री कामाक्षी आर्ट उनकी इवेंट कंपनी है, और पूना का जो फेमस ऑर्केस्ट्रा है मेलोडी मेकर्स, जहाँ मैंने शुरुआत की थी अपने करियर की 1982 में, उन्होंने मिलकर ये शो प्रोड्यूस किया। ट्रिब्यूट है अमित जी के लिए जिसमें हमारा सारा परिवार इन्वॉल्व है, हिमा भी एक गाना पियानो पे बजाएंगे और मैं गाऊंगा, श्रुति हमारे कॉस्ट्यूम और स्टेज डिज़ाइनिंग में इन्वॉल्व है, सिद्धांत पुराने गाने अपने तरीके से गाएंगे, तो ये एक कंप्लीट पैकेज है एंटरटेनमेंट का अमित जी के फैंस के लिए, कि उनके जितने भी मूड्स हैं अमित जी के, रोमांटिक, कॉमेडी, डांसिंग मूड, उसके हम गाने लेंगे, और साथ में ट्रिब्यूट है उन सिंगर्स को जिन्होंने अमित जी के लिए गाए, जैसे किशोर दा, रफ़ी साहब, मुकेश जी, और प्लस अमित जी के गाए हुए, मेरे गाए हुए गाने सभी पेश होंगे, और नॉट ओनली गाने हैं इसमें, सिलसिला, शराबी, कभी कभी, अगली बार इसके डायलॉग्स भी होंगे, तो लोग जहाँ जहाँ भी शो किया है लोगों ने बहुत पसंद किया। तो एक कोई गाना हमें गा के सुना सर, सामने देखिए, दर्शक चाहेंगे कि आपका अजय बादशाह की देख रहे तुसी, चलो शुरू हो जाओ, 1 2 1 2 3 4 रूप तेरा सोना सोना सोनी तेरी पायल, छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल, हे कह रहा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना, एवरीबॉडी शावा शावा माहिया से शावा 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 माहिया से शावा शावा ये। हिमा जी आपसे जानना चाहेंगे इस कॉन्सर्ट में आपका किस तरह का कंट्रीब्यूशन होगा? सामने देखिए जी, कंट्रीब्यूशन जो मेन प्रोडक्शन हाउस है श्री कामाक्षी आर्ट, उसी पे तो ये शो बन रहा है, एंड जो जितने लॉजिस्टिक्स हैं, जो बैक ऑफिस वर्क है, और जो भी सेट डिजाइनिंग फ्रॉम द लिस्टिंग, जो आर्टिस्ट लिए हैं मेलोडी मेकर्स, तो सारा सब कुछ ही टुगेदर मैनेज कर रहे हैं, टिकट सेल्स ऑर्गेनाइजिंग का जो एक पहलू रहता है उसको सब अच्छे से हम निभा रहे हैं। आप अपना क्रिएटिव इनपुट कितना दे रही हैं इसमें, क्योंकि आप सेट डिजाइनर भी हैं? इस शो में जो पूरा सेट डिजाइनिंग का काम है, जो जो भी क्रिएटिव इनपुट्स है, वो मैं और मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप है डॉट लाइन एंड स्पेस, उसके साथ मैं कर रही हूँ, एंड उसके साथ भी इन सब का स्टाइलिंग जो होता है, कपड़े, वो सब भी मैं उस वो कर रही हूँ। जी सुबह जी, एक सवाल है कि जैसे कि आज आप जी भट्टाचार्य ने ट्वीट किया है कि हमारे देश में जिस तरह से बड़े बड़े सिंगर्स है, लता मंगेशकर है, आप खुद हैं, और बहुत सारे सिंगर्स है, रहते हुए भी पाकिस्तान से गुलाम मलिक को बुला के गवाना, क्या ये सही मानते हैं आप? सामने देखिए, इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाया? मैं गुलाम अली जी से या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत छोटा कलाकार हूँ, मैं सिर्फ जानता हूँ लोगों को एंटरटेन करना, तो मेरे ख्याल से इस विषय में मेरा ज्ञान बहुत कम है, मैं कोई कमेंट नहीं। मैं पर्सनली गुलाम अली जी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छे कलाकार हैं, हमारी कंट्री में उनको बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन ये जो उनको गवाना नहीं गवाना, ये हमारा काम नहीं है। तो आपको क्या लगता है सर कि मतलब उन्हें यहाँ पर जो इनवाइट किया जा रहा है, क्या ये एक तरह से पूरी तरह से गलत है? जिस तरह से शिव सैनिक कह रहे थे कि वो विरोध भी करेंगे इसका, तो आपको लगता है कि गलत है उनका यहाँ आकर परफॉर्म करना? मैं वही कह रहा हूँ, ये सवाल किसको पूछना चाहिए पता है? जिनके बेटे, जिनके भाई बॉर्डर पे गुजर गए हैं,
दुश्मन की गोली खाकर उनके परिवारों से ये सवाल करना चाहिए कि उनको यहाँ बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। एज एन आर्टिस्ट मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। आपको नहीं लगता कि रेवेन्यू जनरेशन इंडिया को लोग मानते हैं, लेकिन मेरे राय देने से कुछ फर्क नहीं पड़ना, मैं कोई बड़ा पॉलिटिशियन। चलिए सर, फिर से आपके ये कॉन्सर्ट चाहते हैं, क्या क्या आप और अलग कर रहे हैं अन्य लोगों के कॉन्सर्ट? अलग ये कर रहा हूँ क्योंकि आजकल ट्रिब्यूट्स के शोज बहुत चल रहे हैं, लता जी को ट्रिब्यूट, आशा जी को ट्रिब्यूट, किशोर दा, रफी साहब को ट्रिब्यूट, या आर डी बर्मन, एस डी बर्मन को ट्रिब्यूट। लेकिन ये मेरे ख्याल से क्योंकि मैं अमित जी की वॉइस बना सकता हूँ,